क्वेश्चन नंबर 7, कितने लोगों ने बनाया है? 7, 8, 9, 9, 10, 10 क्या कोई बनाया? नहीं, तो उसमें अभी कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 से लेके 14 तक का। क्वेश्चन नंबर 15, कितने लोगों ने बनाया है? कहाँ तक दिए थे हम बनाने? 12 तक ही दिए थे। ओ गॉड, अच्छा ठीक है। तो अब जो है सवाल, जिसको जो पूछना है, अभी मेन जो टारगेट है 7, 8, 9, कौन सा बताए? 9, 9 और 7। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 7 आपका बना नहीं पाए, वो हाथ खड़ा करें। वैसे बच्चे जो 7 नहीं बना पाए हैं, सवाल नहीं बना, आंसर नहीं है 7 का, इन लोगों का। ठीक है, 8 नंबर बना है, कितने लोगों से बना है? फिर से एक बार देखें, 8 नंबर इन लोगों को लोन वाला हैंडल करने के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि उसका इंटरेस्ट वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इन लोगों को सीखना पड़ेगा। और 9 नंबर में, 9 नंबर में भी इन लोगों को सीखना होगा थोड़ा। इसको अभी 2-3 सवाल थोड़ा बना के दिखाना पड़ेगा ताकि इन लोग आगे बढ़ सके। देखिए आप लोग, आप लोग कंप्लीट बोलना बंद करें पहले। 7 नंबर फिर से एक बार देखें, कितने लोगों से बन चुका है, बिल्कुल ईमानदारी से, जिसका आंसर वगैरह सब मिला हो। ठीक है, वो बहुत आसान सवाल भी था और सब लोगों से बनने चाहिए थे, ठीक है ना। और जिन बच्चों से नहीं बना, तो वो केवल अभी क्या करेंगे, वो अपने जो बना लिया है उससे हेल्प लेकर के क्या होंगे, वो बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए उसमें कोई नया आइटम नहीं है, देखो आपका क्लोजिंग का स्टॉक है, उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा? 2 जगह। एक बार मैं ओरली क्या करूं, मैं बोल दूं, ठीक है ना, ताकि उसका अपना हो जाए। फर्नीचर बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा? एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट। मोटर व्हीकल बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैड डेट्स पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, परचेज रिटर्न, परचेज में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, एडवर्टीजमेंट पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, इंटरेस्ट पीएल अकाउंट के, सॉरी सॉरी ये क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस है, इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस है 118 है क्या? तो ये पीएल अकाउंट के कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। कमीशन का देखो जी, क्रेडिट बैलेंस है, कमीशन का क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो पीएल अकाउंट के कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। आपका कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में, टैक्स एंड इंश्योरेंस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, जनरल चार्जेस पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, आपका सैलरी पीएल अकाउंट के, और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है, करेंट बैलेंस है, ये क्या है? ओल्ड रिजर्व। ओल्ड रिजर्व किस नाम से रहेगा? ओल्ड रिजर्व के नाम से रह सकता है या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से रह सकता है? तो ये क्या है? ओल्ड रिजर्व है। क्या है? ओल्ड रिजर्व है। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो बच्चे इस ओल्ड रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स, न्यू रिजर्व और आपका फर्दर बैड डेब्ट जो भी आएगा उसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये चीजें जो है ये ओल्ड रिजर्व है। क्या है? ओल्ड रिजर्व। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा? 2 जगह। एक ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ? करेंट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। दूसरा डिप्रिसिएशन है। अब डिप्रिसिएशन देखिए 3 तरह का एसेट्स पे है आपका, बिल्डिंग पे है, फर्नीचर पे, मोटर व्हीकल पे। तो आपका बिल्डिंग पे जो है
हमारा आपका हो जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन क्या होगा बिल्डिंग, पीएल अकाउंट के कहां डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग होगा पीएल अकाउंट के कहां डेबिट साइड में, और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्डिंग में से क्या करेंगे लेस करेंगे। फिर फर्नीचर का है 7.5%, 7.5%, तो वो पीएल अकाउंट के कहां जाएगा डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट के कहां जाएगा डेबिट साइड में, और फिर बैलेंस शीट के कहां जाएगा एसेट साइड में, फर्नीचर में से क्या करेंगे लेस करेंगे, फर्नीचर में क्या करेंगे लेस करेंगे। फिर हमारा मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल है तो मोटर व्हीकल है वो आपका पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में मोटर व्हीकल में से क्या करेंगे लेस करेंगे। क्लियर हुआ? फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंश्योरेंस से क्या करेंगे माइनस करेंगे, और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करेंगे शो करेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग क्या है सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है सैलरी में क्या करेंगे ऐड करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे शो करेंगे। फिर आपका दिया हुआ न्यू रिजर्व, क्या दिया हुआ है न्यू रिजर्व, आपका बैड डेट्स जो है उसमें ले जाके क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे। डेटर्स देखो कितने का है 3800 का, कितने का, और 10% कितना होगा 380, कितना हुआ 380, तो 380 उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, और ओल्ड रिजर्व को लाके क्या करेंगे घटा देंगे बाहर करेंगे। फिर न्यू रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करेंगे माइनस करेंगे, डेटर्स में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। क्या ये बन जाएगा ना, मैक्सिमम लोगों से बन चुका है, और जिन बच्चों का नहीं बना है तो मैंने तो आपका एक कर चेक करा दिया, और वो अपने अगल बगल से क्या करेंगे थोड़ा बहुत जो आपका आपका कैलकुलेशन वगैरह में हो सकता है दिक्कतें आ रही हो तो अपना चेक कर ले, ठीक है ना। देखो अब जो बताने वाला जो चीज है मैं अब उसको क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पे 8 नंबर 9 नंबर दोनों मैं बना के दिखा रहा हूं, 8 नंबर और 9 नंबर, ठीक है ना। इसमें कुछ आप नई चीजें सीखना शुरू करेंगे तो क्या होगा और सारे सवाल क्या होंगे बनेंगे, ठीक है ना। देखो 8 नंबर 9 नंबर दोनों सवाल मैं बताने जा रहा हूं, ये जो आपका है सबसे पहले दो स्पेसिमेन बना लिया हमने और एक आपका बैलेंस शीट का, आइए देखिए एक एक करके हम लोग चर्चाएं करें, जो जहाँ पे जिसका ट्रीटमेंट होने वाला है हम लोग वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा करते चलेंगे। नंबर वन सबसे पहले क्या है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपका दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे आपका कैपिटल से क्या करना होगा लेस करना होगा, कैपिटल से क्या करेंगे लेस करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल, कैपिटल
कैपिटल आपका जो है जो भी रहेगा उसमें हम लोग ड्राइंग को क्या करेंगे, लेस करेंगे, और ड्राइंग का वैल्यू है 1500। कितना है? 1500। ओके, अगला पॉइंट मटेरियल कंज्यूम। क्या है? मटेरियल कंज्यूम। अब देखिए इस सवाल का जवाब अभी आज मिलेगा, कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा और कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा। मैंने आपसे उस दिन भी चर्चा किया था कि आपका सवाल आने पे मैं क्या करूंगा, ये बताऊंगा कि किस हालात में आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है और किस हालात में ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है। तो आज इसका अभी आपको क्या होगा, इस सवाल का जवाब अभी तुरंत आपको क्या होगा, मिल जाएगा। आप बताओ आपके क्वेश्चन में इस सवाल में गौर से देखिए, क्या आपका सवाल में मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है या अब देखो मटेरियल कंज्यूम बराबर फार्मूला क्या होता है, ये पहले समझने का प्रयास करिए, मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो मटेरियल आपका कंज्यूम बराबर, मटेरियल आपका जो है कंज्यूम बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज, नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और ये हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाता है? क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है, है ना? ऐसा ये मटेरियल कंज्यूम बराबर। आप जरा सोचिए बच्चे, ये मटेरियल आपका कंज्यूम बराबर ये फार्मूला होता है ना? देखो फार्मूला ये होता है, आपके क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक ये बातें सुनिए, है ना, ये क्वेश्चन में बताइए ओपनिंग स्टॉक क्या, ओपनिंग स्टॉक परचेज और ओपनिंग स्टॉक परचेज परचेज रिटर्न क्या अलग से दिया हुआ है या नहीं है? बोलो, नहीं है, नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। तो जब मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या हो गया, मटेरियल कंज्यूम का मतलब हो गया, देखो मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे ओपनिंग क्या होगा स्टॉक प्लस आपका टू जो है, फिर हमारा आपका परचेज होगा, परचेज माइनस आपका परचेज क्या होता है रिटर्न, दैट इज नेट परचेज। क्या? तो ये आपका हो गया प्लस ये हो गया, और ये बाई आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। ये ऐसा हो गया, है ना, ऐसे। तो ये दोनों डेबिट में है, डेबिट में है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस। क्या हुआ? प्लस। अब हमारा ये जो आपका है बाई क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है, इसका मतलब इधर जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो बच्चे आपके सवाल में जब ओपनिंग स्टॉक अलग रहता है, वो परचेज अलग रहता है, तो वैसे हालात में क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज और ऑलवेज ट्रायल बैलेंस के कहां रहेगा, बाहर। कहां रहेगा? बाहर। लेकिन जब आपके क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के कहां आ जाएगा, अंदर। क्यों? क्योंकि आप क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ कितने जगह, एक जगह, वो कहां, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बोलो, और ऐसा क्यों हुआ, ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों आपका आ गया, इसलिए कि हमारा वो उसका ट्रीटमेंट तो सिर्फ एसेट साइड में होगा। तो मटेरियल कंज्यूम में ऑलरेडी एक बार क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट देखिए यहां पे हो चुका है, है ना, क्या हुआ, हो चुका है। ये आप आपका समझो, ये हमारा, ये आपका, दोनों को हमारा प्लस हुआ और ये हमारा माइनस हुआ, ये तीनों के बदले में आप एक लाइन लिख सकते हैं क्या, मटेरियल कंज्यूम। क्या लिख सकते हैं? मटेरियल कंज्यूम। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो जब आपके क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम वर्ड दिया हुआ रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के कहां रहेगा, अंदर। ओपनिंग स्टॉक अलग रहेगा, परचेज अलग रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के ऑलवेज कहां रहेगा, बाहर। क्या ये लाइन समझे? कितने लोग समझ पाए? ठीक है, तो ये चीजें, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे देखो यहां हमारा मटेरियल कंज्यूम हमारे सवाल में दिया हुआ है, तो वो आपका ऑब्वियसली जब मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ रहे तो ये पक्का हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के कहां रहा होगा, अंदर रहा होगा। और आप गौर से देखिएगा तो मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के कहां रहेगा, अंदर। क्योंकि फिर हमारा ये मटेरियल कंज्यूम का मतलब ही हो गया, उसमें ओपनिंग स्टॉक भी हमारा कैलकुलेशन में शामिल हो चुका है, परचेज भी और परचेज रिटर्न भी शामिल हो चुका है, और एक बार क्लोजिंग स्टॉक का भी कैलकुलेशन हो चुका है। क्या ये समझ में आ गया? या चलो ठीक है, तो यहाँ ये वाला फार्मूला जो है आप अलग से कहीं पे आप क्या होंगे नोट कर सकते हैं, मटेरियल कंज्यूम बराबर, क्योंकि मुझे अब इसको मिटाना पड़ेगा, है ना।
क्या सबका? चलो आइए सवाल में आ जाइए। अब एक एक करके हम लोग चर्चाएं करें। तो सबसे पहले कल आपका ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, अब आते हैं मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम आपका है तो टू क्या लिखेंगे? मटेरियल टू मेटेरियल कंज्यूम वैल्यू है 6,99,200, 6,99,200। ओके ये हो गया। फिर उसके बाद दिया हुआ सैलरी, बताइए सैलरी कहाँ जाना चाहिए? अभी नोट ना करें, सैलरी कहाँ जाएगा? पेल अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके टू आपका, हाँ एक बात तुरंत देखना चाहिए कि क्या इस आइटम से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट भी है, जिसका जिसके साथ भी एडजस्टमेंट रहेगा उसको ऑलवेज इनर कॉलम में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? इनर कॉलम में लिखा जाएगा। ओके तो हमें सैलरी है लेकिन सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट क्या है? नहीं है। तो ये आपका टू क्या लिखा जाएगा? सैलरी। क्या लिखा जाएगा? सैलरी। टू सैलरी हो गया, वैल्यू कितने का हो गया? 4200। कितना? 4200। फिर उसके बाद दिया हुआ है कैरीज इन वार्ड। क्या? कैरीज इन वार्ड कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू आपका होगा क्या? कैरीज आपका जो है इन वार्ड होगा, कैरीज इन वार्ड। ठीक है, कैरीज इन वार्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 400। कितना? 400। उसके बाद कैरीज क्या है? आउट वार्ड, दैट इज कैरीज ऑन सेल, कैरीज ऑन सेल। ये हमारा होगा कैरीज आपका क्या होगा? आउटवार्ड होगा। कैरीज क्या होगा? आउटवार्ड। वैल्यू बोलिए कितने का? 500। कितने का? 500। फिर लाइटिंग क्या है? एक्सपेंसेस। टू आपका होगा लाइटिंग आपका क्या होगा? एक्सपेंसेस। लाइटिंग क्या होगा? एक्सपेंसेस। और लाइटिंग एक्सपेंसेस है कितने रुपए का? 300। कितने का? 300। ठीक है, रेट्स एंड इंश्योरेंस, रेट्स एंड इंश्योरेंस, क्या इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है? यस सर। तो इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, रेट्स एंड क्या होगा? इंश्योरेंस, रेट्स एंड इंश्योरेंस। इसके वैल्यू कितने हैं? 400। कितना बच्चे? 400। क्लियर है? या फिर दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये आपका होगा बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट है? है, तो बिल्डिंग का वैल्यू है 27,000। कितना? 27,000 दिया हुआ है। फिर क्या है? फर्नीचर, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है? फर्नीचर का वैल्यू अंदर लिखना होगा, जिसके साथ भी एडजस्टमेंट रहेगा उसको इनर कॉलम में लिखा जाता है। इनर कॉलम का मतलब है अंदर लिखो, अंदर लिखो। क्यों? क्योंकि हमें उस आइटम के साथ कुछ प्लस और या माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये जिसका भी फाइनल अकाउंट भी एडजस्टमेंट छूटा है तो सबका वीडियोस अपलोडेड है सीरियल नंबर नम 1 से। ठीक है ना? वो अपना जा करके अपडेट कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे फिर आपका बातें क्या होगा पूरी समझ में नहीं आती है। ठीक है ना? तो पहला आपका हो गया। फिर क्या होगा? कैश, कैश का वैल्यू कितना है? 200। कितना होगा? 50। डेटर्स है, डेटर्स बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में कितने रुपया एडजस्टमेंट है? चलो जी एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में क्या किया? लिख दिया। है ना? इनर कॉलम में क्या किया? लिख दिया। कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है, बैलेंस शीट के कहां जाएगा? एसेट साइड में। कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कितने रुपए का? 1500। कितने का? 1500। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1500 हो जाएगा। राइट, अब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसलिए उसका ट्रीटमेंट सिर्फ कितने जगह होगा? एक जगह। वो कहाँ? बैलेंस के एसेट साइड में। तो ये इसका होगा क्लोजिंग आपका क्या होगा? 1000 है ना? अच्छा चलो ठीक है, 50,000। लोन है, लोन आपका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है बच्चे? 15 और 16। कौन सा है? आपने लोन कब लिया? पहली अप्रैल 2015 को।
इसका मतलब पूरे एक साल लोन रहा, कितने साल? एक साल लोन रहा। क्या लोन कोई आपका मुफ्त में देगा या इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ये अपने मन से सोचते रहना पड़ेगा, है ना। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपके सवाल में है दिया हुआ, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 9% के रेट से, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, फिर बाद में मैं पूछूंगा। ये हमारा लोन हो गया, लोन का वैल्यू है 20,000 ना, 20,000 है लोन का वैल्यू, ठीक है ना। लोन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20,000। चलो ये आपका वैल्यू है 20,000, आगे बढ़िए। फिर हमारा दिया हुआ है सेल्स, सेल्स आपका जो दिया हुआ है, सेल्स आपका जो दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई आपका क्या हो जाएगा? सेल्स। और सेल्स का वैल्यू है 7 लाख, कितना होगा? 20,000। 7 लाख कितना है? 20,000। और डिस्काउंट का कितना है? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई आपका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट का वैल्यू कितने रुपए का? 500। डिस्काउंट का वैल्यू 500। हो गया क्लियर? फिर हमारा जो है क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर बैलेंस शीट के कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो ये जो आपका है क्रेडिटर्स होगा, क्रेडिटर्स आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, इसका वैल्यू कितने का है? 20,000 का। कितने का? 20,000। क्या सबका ट्रीटमेंट हो गया? अब आइए एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? रेट्स एंड आपका इंश्योरेंस हैव बीन प्रीपेड टू एक्सटेंट आपका 175। यानी अगले साल से रिलेटेड जो रेंट एंड इंश्योरेंस है वो हमने इसी साल क्या किया? दे दिया। तो उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा? दो जगह। एक रिलेटिंग आपका आइटम में क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये आपका होगा प्रीपेड, क्या होगा? इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 175। ओके, तो ये बचेगा 225। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट के कहां जाएगा? एसेट साइड में। प्रीपेड क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस। प्रीपेड क्या होगा? इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना है? 175। क्लियर है ना? देखो बैड डेब्ट्स टोटलिंग, ध्यानपूर्वक सुनिए, बैड डेब्ट्स टोटलिंग 500 रिटेन ऑफ एंड ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5%। तो ये जो बैड डेब्ट्स टोटलिंग जो दिया हुआ है वो फर्दर बैड डेब्ट्स है। क्या है? एडजस्टमेंट में तो दो ही आइटम हो ही सकता है, एक न्यू रिजर्व और एक फर्दर बैड डेब्ट्स। तो जब न्यू रिजर्व नीचे वाला परसेंटेज के रूप में है तो ये वाला जो हमारा पुनः जो डूबा है वो क्या है? फर्दर बैड डेब्ट्स है। क्या है जी? फर्दर बैड डेब्ट। तो फर्दर बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट कितने जगह होगा? दो जगह। अब न्यू रिजर्व और फर्दर बैड डेब्ट्स जब दोनों दिया हुआ है तो सबसे पहले किसका करेंगे? फर्दर बैड डेब्ट्स का। किसका करेंगे? फर्दर बैड डेब्ट्स का। तो देखो हमें सबसे पहले क्या होगा? फर्दर बैड डेब्ट्स का करना पड़ेगा। तो फर्दर बैड डेब्ट्स के लिए यहाँ जगह क्या? कुछ भी नहीं है। तो टू हमारा क्या लिखेंगे? FBD, टू FBD। FBD का मतलब क्या हुआ? फर्दर बैड डेब्ट्स। तो FBD हमारा जो दिया हुआ है कितने का? 500। कितना बचे? 500। क्लियर है? आइए बढ़िए। फिर उसके बाद जो है तो हमें इसका फिर दूसरा जो एंट्री करना पड़ेगा, आपका डेटर्स में क्या करना पड़ेगा? माइनस FBD करना पड़ेगा, 500 करना पड़ेगा, बाकी बचेगा 7500। कितना? 7500। और फिर न्यू रिजर्व है। क्या है? न्यू रिजर्व। कितना परसेंट? 5%। तो न्यू रिजर्व का ट्रीटमेंट कितने जगह? दो जगह। कितने जगह? दो जगह। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ये हमारा न्यू रिजर्व हो गया। न्यू रिजर्व हमारा आपका कितना परसेंट है? 5%। कितने का? 5%। 7500 का। कितने का? 7500 का आपका क्या होगा? 5% होगा। तो ये इसका निकालेंगे, आपका 5% निकालेंगे, कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 75 रुपया। इसको माइनस करके बोलिए कितना आने वाला, बोलिए 7100। कितना आएगा? 25। क्लियर है ये? अब हमारा जो है यहाँ प्लस करेंगे, कितना था बच्चे? 375। कोई ओल्ड रिजर्व क्या है? नहीं है। ओल्ड रिजर्व नहीं है तो क्या होगा? नहीं माइनस करेंगे, है ना। तो ये दोनों को जोड़ के बाहर करेंगे, 800 कितना आएगा? 75। क्या क्लियर है? कितने लोगों को बात समझ में आई? अब उसके बाद अगला जहां तक बात है, फिर उसके बाद तो ये फर्दर बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट हो गया, न्यू रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया। अब डिप्रिसिएशन की बात है, डिप्रिसिएशन आपका कितने संपत्तियों पे है? दो। एक सबसे पहले हमारा क्या है? आपका बिल्डिंग पे है, और दूसरा किस पे है? फर्नीचर पे है, ठीक है ना। तो
तो टू डिप्रिसिएशन ऑन क्या हो जाएगा हमारा, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है ना, टू डिप्रिसिएशन ऑन क्या हो जाएगा बिल्डिंग। तो अब जो है हम लोग इसको करें, टू डिप्रिसिएशन ऑन क्या होगा बिल्डिंग, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितने का है, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन है 2%, कितना परसेंट 2%। अब देखो बिल्डिंग को देखना होगा, तो बिल्डिंग हम लोग देखेंगे तो बिल्डिंग आपका 2% हो जाएगा, तो इसका 2% कितना होगा 540 माइनस करके बोलिए 26,000 कितना होगा 460, सही है ना, 26,460 डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे ना, और ये हमारा हो जाएगा आपका 500 कितना आ गया 540 था ना, 500 कितना हो गया 40। फिर उसके बाद देखो फर्नीचर है, फर्नीचर पे कितना परसेंट 10%, तो टू डिप्रिसिएशन ऑन क्या लिखेंगे फर्नीचर, टू डिप्रिसिएशन ऑन क्या लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है ना, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। उस पे आपका फर्नीचर पे देखिए माइनस आपका कितना परसेंट होगा 10%, कितना परसेंट 10%। सीरियस बैठा करें जी, ये आपका 6000 में माइनस आपका कितना हुआ आपका 600, 50 कितना बचेगा 400, कितना 5400। अब उसके बाद इसका टू डिप्रिसिएशन आपका होगा 5400, ये हमारा 600 हो गया ना 600। तब इसके अलावा कोई आइटम है नहीं है, ओके। तो अब उसके बाद करना क्या पड़ेगा हमें, अब आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना पड़ेगा है ना, तो ये इसका काम समाप्त हो गया। अब ये आपका चूंकि दिया हुआ नहीं है 7,00,000 कितना होगा 20,000, ये आपका राइट साइड में हम लोग पहले करें है ना, राइट साइड में ये 7,00,000 आपका कितना हुआ 20,000, 7,00,000 आपका कितना होगा 20,000। टू आपका क्या निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए वैल्यू कितना आ गया, कितना 20,000, कितना हुआ 400। ये बाई हमारा हो जाएगा क्या जीपी, बाई क्या आएगा जीपी, बीजीपी आएगा 20,000 कितना होगा 400, 20,400 ठीक है ना, 20,400 ये 20,000 कितना हो जाएगा 900, नेट प्रॉफिट है ना 20,000 कितना हो जाएगा 900, 20,900 रुपया। टू आप बताइए, टू आपका क्या आएगा नेट प्रॉफिट, क्या आएगा नेट प्रॉफिट है ना, टू नेट प्रॉफिट बोलिए कितना 11,000। अच्छा हाँ एक चीज छूट रहा है, इंटरेस्ट और लोन सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, उसी के लिए तो ये सवाल हम बता रहे हैं है ना, उसी के लिए हम ये सवाल बता रहे हैं ठीक है ना, तो इसलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका है जी ठीक है। चलिए तो उसको पहले मैं क्या करूँ बताता हूँ, वो छूट रहा था ध्यान से। हाँ अब देखिए कहता है लोन है, लोन आपका कितना 1,000 रुपया है, देखिए 20,000। अब आप बताओ कि क्या एडजस्टमेंट में उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, क्या इंटरेस्ट से रिलेटेड जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या हम लोग आपका इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्या देना पड़ेगा, अपने मन से सोचना है, क्योंकि हिंट और इशारा सब कुछ क्लियर कर दिया है कि आपने जो लोन लिया है कब लिया है, 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को ठीक है, और 1 अप्रैल 2015 को जब आपने लोन लिया कितना परसेंट के रेट से 9%, तो पूरे एक साल का इंटरेस्ट कितना हुआ 1,800 रुपया, कितना। क्या आपका सवाल में इंटरेस्ट दिया हुआ है, नहीं, तो इसका मतलब जो भी 1,800 रुपया रह गया वो क्या हुआ देना रह गया, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या होगा। या देखिए अब दूसरा तरीका भी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी था कि सवाल में दिया हुआ रहता है इंटरेस्ट 1,000 रुपया, कितना 1,000 रुपया, तो इसका मतलब आपका 1,800 में 1,000 रुपया दे चुका है, तो आपका इंटरेस्ट हमारा 1,000 रुपया, यहां लिखते
और 800 रुपया देना बाकी रहता, तो आपका 800 रुपया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के रूप में क्या करते, जोड़ते, तब 1800 रुपया क्या करते, बाहर करते, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में फिर कितना दिखाते, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना, 800। ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना ये। लेकिन यहाँ पे ऐसा सवाल क्या है, नहीं है, इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह दिया ही नहीं, और कोई जब इंटरेस्ट नहीं दिया तो पूरा देना बाकी है, तो पूरा देना बाकी है तो टू क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, और कितने रुपए का हुआ, 1800 ना, 1800 कितना हुआ, 1800 रुपया, ठीक है ना। तो ये आपका 1800 रुपया आउटस्टैंडिंग क्या होगा, इंटरेस्ट लिखेंगे, प्लस आपका हो जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा, और ये 1800 रुपया जब हो गया तो ये 21000 कितना हो जाएगा, 800 रुपया, 21800 रुपया, क्या क्लियर है। तो इस तरह से ये आपका मैंने ऐड कर दिया। अगला पॉइंट, अब इसके अलावा जो है, अब नहीं कुछ दिया हुआ है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, इसमें से जब घटा देंगे तो चूंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट, और इसका नेट प्रॉफिट बोलिए कितना आया, 11860। ये लाइन जो है यहाँ पे होता, जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 11860। टोटल मैंने जो नीचे लिखना चाहिए था मैंने राइट साइड में कर दिया, ठीक है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, बोलो क्या समझ में आया। कुछ बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और इसलिए उसका कंसेप्ट डेवलप नहीं होता है, और घर में जाता है सब सवाल बना के आता है, उसका फिर बनता नहीं है। है इतना देर से शांत हैं आप लोग, नहीं है, पूरा बात जब सुनेगा ही नहीं तो दिमाग में जाएगा क्या, पूरा होल लाइफ ऐसे ही करते आ रही है फिर। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर कितने थे, 8 नंबर। अब देखिए वहां से मेरा क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट, क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट, ये आपका जो है नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट का वैल्यू आया है 11,860, ठीक है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे, 1500 रुपए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितने आ गए, 60,360 रुपया। अब दोनों साइड में क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट, टोटल करिए, 1,02,160, 1,02,160, क्लियर है। चलो ये हो गया, तो ये पहला सवाल हुआ। इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा, एक वैसे आइटम का ट्रीटमेंट करना सीखा जिसमें कि हमारा इंफॉर्मेशन तो छुपा हुआ है, इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। आपने लोन लिया है तो भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्या होगा, देना पड़ेगा, क्या ये बात समझ में आ रही है। ये अगला, तो ये आपने, तो ऐसे ही जब आप सवाल बनाइएगा एडजस्टमेंट का, तो ऐसे ऐसे कुछ आइटम क्या होंगे, छुपे हुए रहेंगे, जिसको आपको ढूंढ के क्या होगा, देना पड़ सकता है, समझ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 8 था। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। तो ये आपका सवाल जो है आपको बनाने के बाद, चलो देखो मैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, फॉर द ईयर एंडिंग वगैरह जो भी है चीजें लिखना पड़ता है।
फॉर द ईयर एंडिंग। फिर हमें नेक्स्ट आइटम जो है, नेक्स्ट आपका जो है बैलेंस शीट के लिए बनाना होगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ कैश इन हैंड क्या है, ट्रीटमेंट कहाँ होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। चलो कैश इन हैंड है मींस आपका इसे हम लोग बोल सकते हैं कैश। कैश का वैल्यू है 500, कितना है 40, 540। दूसरा दिया हुआ कैश एट बैंक, क्या कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपका दिया हुआ है 2630, 2630 ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है बैंक 2600, आपका कितना होगा 30, राइट 30 हो गया। फिर उसके बाद दिया हुआ है परचेज, परचेज आपका दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आपका होगा परचेज, 2 परचेज आपका दिया हुआ है, इसके वैल्यू है 40,675, 675 ओके। फिर उसके बाद रिटर्न इन वार्ड, रिटर्न इन वार्ड का मतलब क्या, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इन वार्ड मींस सेल्स रिटर्न। तो बाई आपका होगा सेल्स, बाई हो जाएगा क्या, सेल्स हो जाएगा, और सेल्स का जो भी वैल्यू रहेगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे सेल्स क्या होगा रिटर्न का। सेल्स रिटर्न है 600, कितना 80 ओके। फिर दिया हुआ है वेजेस, 2 आपका वेजेस दिया हुआ है, तो आप बताइए ये जो वेजेस हमारा दिया हुआ है ना, 2 हमारा जो दिया हुआ है वेजेस, वेजेस के साथ क्या कोई एडजस्टमेंट है, देखिए क्या वेजेस के साथ कोई एडजस्टमेंट है, नो। तो 2 आपका क्या लिखा जाएगा वेजेस, 2 वेजेस का वैल्यू है 8480, 8400 कितना 80 ओके। अगला पॉइंट, फिर उसके बाद लिखा हुआ है फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर दिया हुआ है, 2 हमारा हो जाएगा फ्यूल एंड क्या होगा पावर, फ्यूल एंड पावर, इसके वैल्यू है 4730, 4730 क्लियर। बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बैड डेब्ट, पीएल अकाउंट के कहां जाएगा डेबिट साइड में, 2 पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आपका क्या है बैड डेब्ट्स है, और बैड डेब्ट्स का जो वैल्यू है कितना है 200, कितना है 10 ठीक है ना। फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स क्या है प्रोविजन, बैड डेब्ट्स प्रोविजन ठीक है ना। तो बैड डेब्ट्स प्रोविजन है ये क्या है बोलो, ओल्ड रिजर्व, क्या रहा है ओल्ड रिजर्व, न्यू रिजर्व कभी आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं रहेगा, आपका कहा क्या रहेगा, ये हमारा बैड डेब्ट्स प्रोविजन है, मतलब ये क्या है ओल्ड रिजर्व, तो इसे आपका क्या का इंतजार करना पड़ेगा सबसे लास्ट आइटम के रूप में ना ओके। तो अब उसके बाद कैरीज ऑन क्या है सेल, कैरीज ऑन सेल कहाँ जाएगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, कैरीज ऑन सेल पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आपका कैरीज ऑन क्या होगा सेल, कैरीज ऑन सेल क्लियर। कितने वैल्यू है 3200 का, कितने का 3200 का। चलो अगला कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज तो 2 आपका हो जाएगा कैरीज, कैरीज ऑन परचेज लिखे या कैरीज इन वार्ड लिखे है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2040 रुपया। चलो अगला है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5760, 2 आपका दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5000 आपका 700 आपका कितना है 60 ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद
हाँ और कुछ छूटा है क्या? जाइए, तो ये आपका बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग आपका बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा? एसेट साइड में, बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है? तो ये आपका बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है 3200, 32000, 32000 फ्री होल्ड लैंड। अब देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, वैसी प्रॉपर्टियां जिसका मालिक आप खुद स्वयं हो, है ना, तो उसे कहते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? और वैसी प्रॉपर्टी जो है दूसरे का लेकिन मेरे अधिकार में है। जैसे आप लोगों ने जहां अपनी फैक्ट्री खोली वो जमीन आपकी नहीं है, आपने पिछले अगले 10 सालों के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, तो वो आपके केवल पोसेशन में है, आपके अधिकार में है, तो वो आपके लिए कहलाएगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगा? तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो या लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो, दोनों को दिखाएंगे बैलेंस शीट के कहां? एसेट साइड में। क्लियर हुआ? तो फ्री होल्ड क्या है? लैंड। तो ये आपका मैं यहां पे लिखूंगा फ्री होल्ड क्या होगा? लैंड हो जाएगा। तो चलो फ्री होल्ड लैंड का वैल्यू है कितने का? 10,000, 10,000 रुपये का है। ओके, नहीं है एडजस्टमेंट, चलो कोई बात नहीं। अब मैसनरी पे है? मैसनरी पे है, चलो लिखा गया, बाहर कर देंगे बाद में। मैसनरी है, मैसनरी का वैल्यू कितने रुपए का है? 20,000 रुपये का। चलो अगला पॉइंट, फिर उसके बाद दिया हुआ पेटेंट्स। क्या दिया हुआ है? पेटेंट। क्या पेटेंट्स के साथ एडजस्टमेंट है? पेटेंट्स के साथ एडजस्टमेंट है। तो ये आपका होगा पेटेंट्स, पेटेंट्स का वैल्यू है 7500। कितना है? 7500। फिर दिया हुआ है सैलरी, ये पीएल अकाउंट के कहां जाएगा? डेबिट साइड में। सैलरी पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या कोई एडजस्टमेंट है? तो टू आपका क्या लिखेंगे? सैलरी। और सैलरी है कितने रुपए का? 25,000 रुपये का। कितने का? 25,000। हो गया क्लियर? 25,000 रुपये का। फिर लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस है, टू आपका होगा क्या? जनरल आपका क्या होगा? एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। जनरल एक्सपेंसेस है 22,790, जनरल एक्सपेंसेस है 22,790। तो 22,790 रुपया है, क्या एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो 22,790 रुपया, ये आपका 22,790 रुपया लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस के साथ क्या कोई एडजस्टमेंट है? तो टू आपका इंश्योरेंस लिखेंगे, टू आपका क्या लिखा जाएगा? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का वैल्यू है कितने का? इंश्योरेंस का वैल्यू है 600। कितने का? 600, ठीक है ना। ये अगला पॉइंट। फिर उसके बाद दिया हुआ है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आपका जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल से क्या करेंगे? लेस करें, कैपिटल से लेस करेंगे। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स है 5245, ठीक है ना, 5245। फिर उसके बाद डेटर्स है, डेटर्स है बैलेंस शीट के कहां जाएगा? एसेट साइड में। डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये आपका होगा डेटर्स, डेटर्स का जो एडजस्टमेंट है ना 14,000, कितना होगा? 500, 14,500। फिर दिया हुआ है सेल्स, सेल्स आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 98,400, कितना होगा? 40। माइनस करके बाहर बोलिए, 97,760। चलो बाहर कर दिया। रिटर्न आउटवार्ड, दैट इज परचेज रिटर्न। क्या है? परचेज रिटर्न। तो ये जो आपका दिया हुआ है परचेज रिटर्न दिया हुआ है, परचेज रिटर्न का जो वैल्यू है वो कितने का है? 500 ना। बचेगा कितना? 40,175। क्लियर है? 40,175। उसके बाद अगला पॉइंट, फिर उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल दिया हुआ है 92,000। कैपिटल है, कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ये वैल्यू हमारा है 92,000। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
सन्ड्री करेटर्स है, करेटर्स का वैल्यू कितने रुपए का, 6300, 6300, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट का क्रेडिट बैलेंस, रेंट का क्रेडिट बैलेंस है पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई आपका क्या होगा रेंट, और रेंट का वैल्यू है 9000, कितने का 9000, एडजस्टमेंट है। रेंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब रेंट क्या हुआ, मिला, रेंट क्या हुआ, मिला, तो रेंट का क्रेडिट बैलेंस है, रेंट मिला, तो ये तो आपका हो गया। अब देखो एक एक करके एडजस्टमेंट में आते हैं। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा है एडजस्टमेंट में, कहाँ है, एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट में है तो उसका ट्रीटमेंट कितने जगह होगा, दो जगह, एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ, क्रेडिट साइड में, बाई आपका होगा क्लोजिंग आपका क्या है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, 6800, उसके बाद बैलेंस शीट के कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो ये आपका होगा क्लोजिंग आपका क्या लिखेंगे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, 60 कितना होगा 800, 6800, ये बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन नहीं है इसलिए मैंने उसे क्या किया बाहर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैशनरी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, मैशनरी पे वैल्यू कितना परसेंट कमी हो रहा है 10%, तो इसका जगह कितने जगह ट्रीटमेंट होगा, दो जगह, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, रिलेटिंग एसेट्स में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, राइट। तो चूंकि हम अभी बैलेंस शीट में हैं तो ये दोनों जगह क्या करें, माइनस करें, माइनस करते हैं, इस पे कितना परसेंट है 10%, इसका 10% कितने हो जाएंगे 2000 रुपया, तो ये बाहर करके माइनस करेंगे कितना बचेगा 18000, और इस पे भी आपका क्या हुआ कंटिन्यू कर ही लें तो टू डिप्रिसिएशन हमारा 20%, इसका कितना होगा 1500, ये हमारा कितना हो जाएगा 6000 रुपया, कितना होगा 6000, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये 6000 रुपया हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला जहां तक बात है तो ये आपका तो 6000 रुपया हमारा हो गया। नेक्स्ट आपका, तो बच्चे अब देखो अब हमें क्या करना चाहिए, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट के कहां डालेंगे डेबिट साइड में, टू डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है ना, टू आपका क्या होगा डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन ऑन क्या था, टू डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी, टू डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी, तो डिप्रिसिएशन ऑन क्या होगा मैशनरी, तो टू डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी वैल्यू बोलिए 2000 रुपया, कितना 2000। फिर डू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वैल्यू पेटेंट्स है, टू डिप्रिसिएशन ऑन क्या है पेटेंट्स, टू डिप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स का वैल्यू कितने हैं 1500, 1500 रुपया, ठीक है ना। चलो दोनों पे आपका ट्रीटमेंट हो चुका है। अगला आइटम दिया हुआ है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2016 अकाउंटेड रुपीज अनपेड, इसका मतलब है एक महीने का बाकी है, मार्च महीने का बाकी है, इसका मतलब 11 महीने का वो दे चुका है, 11 महीने का दे चुका है। तो देखो जी आपका मार्च महीने का कितना बाकी है 2500, कितना सॉरी 1500, कितना 1500, ये हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या होगा सैलरी, ये 1500 देना रह गया है तो ये होगा कितना 26000, कितना होगा 500, ठीक है। और चूंकि आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट के कहां जाएगा लायबिलिटी साइड में, ये हमारा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग क्या होगा सैलरी, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा कितने का 1500 ना। चलो ये हो गया। अब कहता है कि इंश्योरेंस इंक्लूड्स प्रीमियम 170 ऑन द पॉलिसी आपका एक्सपायर्ड 30 सितंबर 2016, ये मामला समझिए। देखिए इंश्योरेंस दो प्रकार का होता, एक लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है जो लिविंग थिंग्स है, क्या है, सजीव संपत्तियों, सजीव आपका जो है जो भी चीजें सजीव है उसके जो इंश्योरेंस कराए जाते हैं उसे लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे हम लोग अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन गाड़ी का करवाते हैं, है ना, गोडाउन का करवाते हैं, ये सब क्या है जनरल इंश्योरेंस, क्या कहलाते हैं जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस वाले में प्रीमियम जो है हर 3 महीना पे भी दे सकते हैं, हर 6 महीना पे, हर 1 साल पे भी दे सकते हैं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस वाले में क्या होगा, ऑलवेज प्रीमियम जो दिया जाता है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए।
इसका मतलब कार वगैरह का जो इंश्योरेंस होता है ऑलवेज आपका कितने साल का? एक साल का। स्कूटी वगैरह का कितने होते हैं? एक साल का। 6 महीना 3 महीना के लिए क्या होता है? नहीं होता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका ये जो है 30 सितंबर आपका 2000 क्या है? 16। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? 15 और क्या है? 16। मामले को समझिए, ये हमारा 2015 और 16 है, 2015 और 16, क्लियर है? तो 31 मार्च तक हमारा क्या हो रहा है? हमारा अकाउंटिंग ईयर समाप्त हो जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये कहता है कब से कब तक इसका है? ये 30 सितंबर 2016 तक इसका क्या है? आपका प्रीमियम आपका दिया हुआ है। प्रीमियम कब तक दिया हुआ है? ये आपका 2016, इसका मतलब ये सितंबर से लेकर के क्या हो रहा है? अगले सितंबर तक होगा, सितंबर से लेके अगले सितंबर तक होगा। तो आप समझिए कि ये हमारा जो सितंबर है, 30 सितंबर अगला है, तो भाई इसका मतलब है कि हमारा ये आपका मार्च ही तक ना हमारा इस अकाउंटिंग ईयर में आएगा। बोलो। तो ये वाला जो होगा वो प्रीपेड हो जाएगा। क्या होगा? प्रीपेड। सवाल ये उठा कि ये कितना महीना हुआ, तो हमारा 31 मार्च तक तो इसमें आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये इंश्योरेंस कब करवाया होगा? फर्स्ट यानी कि यहाँ पे सितंबर को कराया होगा, है ना? फर्स्ट सितंबर को करवाया होगा, तब ना अगले 30 सितंबर तक 12 महीना होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। तो 6 महीना इस पीरियड में आएगा और 6 महीना क्या होगा? प्रीपेड हो जाएगा। क्या होगा? प्रीपेड। क्या समझ में आ रहा है? तो वो पूरा का पूरा जो दिया हुआ है वो हमारा प्रीमियम कितना है? 170 रुपया 6 महीने का, है ना? और 6 महीने का जो है, अच्छा, वो आपका 100 इंश्योरेंस आपका इंक्लूड्स आपका प्रीमियम 170 ऑन द आपका एक्सपायरिंग 30 सितंबर 2016। 170 रुपया प्रीमियम वाला, 85 पे ही आंसर आया ना, ठीक है? तो 170 रुपये का वो इंश्योरेंस, जैसे इसके अलावा भी और इंश्योरेंस रहा होगा। टोटल इंश्योरेंस कितना प्रीमियम दिया हुआ है? 600। कितना दिया हुआ है? इसका मतलब है मेरा एक ही टाइप का इंश्योरेंस नहीं है, और सारा संपत्तियों का किया गया होगा, उसमें से ये एक है, ठीक है ना? और उसको 170 रुपये का जो हमारा है पूरे एक साल का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, तो 6 महीने का निकालना पड़ेगा, कितना होगा? 85। तो इसका मतलब ये 85 जो हमारा प्रीपेड हो गया। क्या हो गया? प्रीपेड। तो उसे हम लोग क्या करना होगा? लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेस। तो माइनस आपका क्या लिखेंगे? प्रीपेड क्या होगा? इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपया? 85। तो कितना बचेगा? 500 कितना? 15। क्लियर है? और उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस हम बैलेंस शीट के कहां दिखाएंगे? एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्रीपेड क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपये का? 85 रुपीज का। कितने का? 85 रुपीज का। हो गया 85 रुपीज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखता है राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 500। राइट ऑफ द बैड डेब्ट्स कितना? 500। देखो ये मेरा फर्दर बैड डेब्ट्स है। क्या है? फर्दर बैड डेब्ट्स है। फर्दर बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट कितने जगह होगा? दो जगह। कितने जगह? दो जगह। एक हमारा ये जो आपका हो, कहां पे? किसमें? अच्छा, माइनस किया गया है, ठीक। हमसे नींद में अचानक जाग गया। हाँ, होता है ऐसे, कभी नींद भी आता रहता है, जागा फिर हुआ क्या? आखिर जगे हुए हैं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जो है सबसे पहले, हाँ, फर्दर बैड डेब्ट्स की बात करें हम लोग, ठीक है। एफबीडी कितना है? बोलिए, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है? 500 है। तो 500 हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एफ क्या हो गया? बी डी।
500, उसके बाद माइनस करना होगा, क्या होगा माइनस, यहां पे एफ बी डी माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 500, बचेगा कितना 14,000, हो गया क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट, फिर उसके बाद दिया हुआ 5% क्या है न्यू रिजर्व, क्या है न्यू रिजर्व, 5% आपका न्यू रिजर्व है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, आपका न्यू रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, आपका लेस करना होगा, ठीक है ना, ये प्रीपेड इंश्योरेंस अलग अलग जगह दिखाना होगा क्योंकि जगह कम गया है, ठीक है ना। तो ये माइनस आपका क्या होगा न्यू रिजर्व, माइनस क्या होगा न्यू रिजर्व, ठीक है ना, न्यू रिजर्व आपका वैल्यू कितने का है 5%, तो 5% हो जाएगा इसका कितना रुपया 700 रुपया, 700 रुपया, तो आपका बच जाएगा कितना 13,000, कितना है 300, 13,300। और अभी अभी एक आइटम था प्रीपेड, क्या था इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का था 85 रुपीज का, ठीक है ना। ये अगला पॉइंट, अब उसके बाद हमें करना है ये, इसमें न्यू रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, न्यू रिजर्व हमें ऐड करना पड़ेगा कितना 700 रुपया, ठीक है ना, ये 700 रुपया, ये आपका न्यू रिजर्व कितने हो जाएंगे 700। अब उसके बाद क्या ओल्ड रिजर्व था, ओल्ड रिजर्व कितना था 340 रुपया, 300 कितना रुपया 40 रुपया, ठीक है ना। अब बताइए आप, जो बताइए आप बताइए ओल्ड रिजर्व को क्या करेंगे, आप खड़ा हो, क्या करना होगा ओल्ड रिजर्व को, क्या करना होगा, अब प्लस करेंगे माइनस करेंगे, किस साइड फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है, ओल्ड रिजर्व कितना है, ये दोनों कंटिन्यू बात करते रहती है, इसे वो कितनों सिखा लो ना, कुछ बच्चा जो है ना, बोलिए कितना है 340 है, ये देखिए जगह नहीं होने के कारण क्या है, पहले हम जोड़ देते टोटल को, 7 5 12 2 1400 कितना होता 10, 1410 में क्या करते 340 को क्या करते माइनस करते, और ये मैं टोटल नहीं किया तो 340 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये प्लस माइनस करने के बाद नेट अमाउंट आप बोलिए 1070, 1000 कितना होगा 70, क्लियर हुआ, बैठिए। अब ये जो है इतना हो गया, नेक्स्ट आपका अगला जो दिया हमारा आइटम, ये तो फर्दर बाय रेंट रिसीवेबल है, क्या रेंट रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल का मतलब रेंट अभी भी लेना बाकी है, तो रेंट अभी भी लेना बाकी है, तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्रूड रेंट, क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा एक्रूड, क्या होगा रेंट होगा, वैल्यू बोलिए, वैल्यू बोलिए 1000 हो गया, कितने का 1000, टोटल वैल्यू कितना होगा 10,000, ठीक है ना। ये फिर उसके बाद अगला जहां तक बात है एक्रूड रेंट है, तो एक्रूड रेंट आपका जाएगा बैलेंस शीट के कहां एसेट साइड में, चलो यहां पे मैं डाल देता हूं, एक्रूड आपका क्या है रेंट, एक्रूड रेंट है कितने रुपए का 1000 रुपए का, कितने का 1000, हो गया क्लियर। अब कोई आइटम नहीं है, आइए अब हम लोग एक एक करके पहले क्या करें टोटल करें, हाँ जी बोलिए राइट साइड में टोटल बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, राइट साइड में बोले बेटे 104,560, यही ना 104,560, टू आप बता दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोलिए 43,375, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां हमारा हो जाएगा बाई जीपी 43,375, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, लॉस है,
तो डेबिट साइड में टोटल बताइए 57,575, ओके 57,575 बाई क्या है नेट लॉस, नेट लॉस 4200, ठीक है 4200 हो गया क्लियर। अब इस लॉस को क्या करेंगे, कैपिटल में जाके प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, अब बताइए माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है, अब हम लोग आते हैं कैपिटल की ओर, है ना, माइनस करेंगे क्या होगा नेट लॉस, क्या करेंगे नेट लॉस, कितने का नेट लॉस है, कितना नेट लॉस आया 4200 ना 4200, तो ये आपका है 4200, दोनों में आप दोनों को माइनस करके बाहर कीजिए 82,555, यही ना, चलो जी ठीक है ऐसा। अब उसके बाद जो है लेफ्ट साइड में जोड़िए टोटल कितना आया 90,355, इसका राइट साइड में जोड़िए 90,355, ठीक है ये 90,355 क्लियर है। चलिए तो आपका ये सवाल कुछ आपने सीखा, कैसे फाइनल अकाउंट बिल एडजस्टमेंट का सवाल बनता है पता चला, कितने लोगों को समझ में आया। चलिए देखिए आज का जो टास्क आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन नंबर आई पहले 15, देखो 15 तो बहुत छोटा सा सवाल है, 15 आपको टास्क मिलेगा, 16। अब देखिए फिर आपको 8% बैंक लोन मिल गया, किसमें मिला 16 में, अंदर में देखिए 8% बैंक लोन है, तो अपने मन से अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, अब ये देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट दिया गया या नहीं दिया गया, उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 16 टास्क हो गया, 16, 17 कितना बचे, 17 आपका, 18, 19 आपका, 19 तक कितने तक टास्क मिलेगा, 19 तक आज का जो टास्क है कितने तक है, 19 तक आप बना के लाएंगे, समझ गए। चलो इतना आपका हो गया, तब फिर नया थ्योरी बताएंगे, ठीक है ना, 19 तक क्या हुआ थ्योरी बताया हुआ है, ठीक है ना। अब एक एक करके आप लोग नोट करें,